पेरेंटिंग भी एक तरह की आर्ट है जिसमें आप अपने बच्चे को एजुकेशन, सिक्योरिटी, हेल्थ सारी चीजें देते हैं जिससे आपका बच्चा जिम्मेदार और काबिल इंसान बन सके। लेकिन कौन सी पेरेंटिंग सबसे बेस्ट होती है और आप किस तरह के पेरेंट हैं? आपके बच्चे के लिए कौन सी पेरेंटिंग बेस्ट होगी जानना है जरूरी, तो वेलकम टू रंग दे जिंदगी, शेयर हैप्पीनेस विद पूर्वी। पेरेंटिंग स्टाइल बच्चे की लाइफ को पूरी तरह प्रभावित करती है। ये बच्चे की लाइफ को बना भी सकती है और बिगाड़ भी। पेरेंटिंग स्टाइल चार तरह की होती है, ऑथोरिटेरियन पेरेंटिंग, डेमोक्रेटिक पेरेंटिंग, परमिसिव पेरेंटिंग और अनइन्वॉल्व्ड पेरेंटिंग। ऑथोरिटेरियन पेरेंटिंग, इसमें पेरेंट्स का मानना है कि उन्होंने जो नियम कानून बना लिए ना, वो तो बच्चों को फॉलो करने ही करने हैं, चाहे कुछ हो जाए। लेकिन इसके अलावा बच्चे अगर कोई राय देना तो उन्हें बिल्कुल नहीं मानना होता है, उसकी कोई महत्ता ही नहीं होती। बच्चों को जो पनिशमेंट मिल गई, यानी पेरेंट्स जो पनिशमेंट दे देते हैं, वो बच्चों को मिलनी मिलनी, उस पर थोड़ा भी 19-20 नहीं हो सकता। यानी बच्चे से गलती हो गई तो चलो छोड़ दो, उस पर थोड़ा दया भाव कर लो, ऐसा कुछ भी नहीं, उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करना होता है। इसीलिए तो इन्हें स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग कहा जाता है। और हाँ, ऐसे बच्चों की प्रवृत्ति कैसे बनती है? बच्चे इनसिक्योरिटी वाली फीलिंग रखते हैं, बच्चे लो सेल्फ कॉन्फिडेंट होते हैं और इस तरह के बच्चे शाई नेचर के हो जाते हैं। यानी बच्चों में कोई एक्टिविटीज ज्यादा नहीं देखी जाती, जिसकी वजह से ये किसी भी फील्ड में आगे नहीं बढ़ पाते। आपको पता करना है कि आप ऑथोरिटेरियन पेरेंट हैं या नहीं, तो बस 3 क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। क्या आपको भी लगता है कि बच्चों की बातों को सुनना जरूरी नहीं होता? जो आपने कह दिया वो पूरा होना चाहिए, क्या आपको ऐसा लगता है? क्या आपको लगता है कि आप बच्चों को जब पनिश करते हैं तो उनकी फीलिंग को ध्यान में बिल्कुल नहीं रखते? तो अगर आपका आंसर हाँ है तो आप ऑथोरिटेरियन पेरेंट्स हैं। डेमोक्रेटिक पेरेंटिंग, इस पेरेंटिंग में बच्चों के लिए कुछ खास नियम स्पष्ट रूप से बनाए जाते हैं, अगर बच्चों ने उन्हें फॉलो नहीं किया तो कुछ हद तक उन्हें छूट भी मिलती है और इसके साथ ही बच्चों की बात भी सुनी जाती है। गलत बिहेवियर पर उनको डांट भी लगाया जाता है और अच्छे बिहेवियर पर उनको शाबाशी और प्रशंसा भी दी जाती है। साथ ही बातचीत बच्चे के साथ पेरेंट्स की बहुत अच्छे से होती है, बच्चों की बातें पेरेंट्स अच्छे से सुनते हैं और उनकी बात, उनके मशवरे को भी ध्यान में रखते हैं, इसलिए ये पेरेंट बहुत अच्छे माने जाते हैं। ऐसे बच्चों की प्रवृत्ति की बात करें तो बच्चे बहुत हैप्पी रहते हैं, बच्चे कॉन्फिडेंट होते हैं, इसके साथ वो किसी भी फील्ड में हमेशा आगे बने रहते हैं क्योंकि वो कॉन्फिडेंट होते हैं। इसके साथ ही वो गुड डिसीजन मेकर भी होते हैं क्योंकि वो अपनी बात रखने में हमेशा चूकते नहीं, हमेशा आगे रहते हैं, इसलिए वो गुड डिसीजन मेकर भी बनते हैं। आप डेमोक्रेटिक पेरेंट हैं तो इन 3 क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। क्या आप चाहते हैं बच्चों के साथ पॉजिटिव रिलेशन निभाना? क्या आप बच्चे को पनिश करते समय उनकी फीलिंग्स को ध्यान में रखते हैं? क्या आप ऐसा मानते हैं कि बच्चे भी जो राय देते हैं वो समझदारी से देते हैं और उनकी राय को भी महत्ता देते हैं? अगर आपका आंसर इन 3 का हाँ में है तो आप डेमोक्रेटिक पेरेंट हैं। परमिसिव पेरेंटिंग, इसमें पेरेंट्स बच्चों के साथ फ्रेंडली रिलेशन निभाते हैं और इसके साथ ही जो नियम कानून बनाते हैं वो बहुत कम होते हैं, बच्चे की बात पूरी सुनते हैं और उनके खराब व्यवहार पर उन्हें बिल्कुल पनिश नहीं करते। ऐसे बच्चों की प्रवृत्ति ईगो प्रॉब्लम, ओवर कॉन्फिडेंट और फ्रेंडली होने की वजह से ये बड़े छोटे का भेद बिल्कुल नहीं कर पाते। इसीलिए ऐसी पेरेंटिंग में बच्चों का बिहेवियर फ्रेंडली तो होता है लेकिन वो व्यवहार में बहुत कुछ गलत कर जाते हैं क्योंकि उनके साथ कोई नियम कानून नहीं बनाया जाता और वो रिस्पॉन्सिबल भी कम होते हैं। आपकी पेरेंटिंग परमिसिव है कि नहीं? अगर आपकी इन 3 क्वेश्चन का आंसर हाँ है तो आप परमिसिव हैं। क्या आपको भी लगता है बच्चों का रूल्स तोड़ना कोई बड़ी बात नहीं और उन्हें पनिश नहीं करना चाहिए? बच्चों की जिंदगी में दखल देना अच्छी बात नहीं, क्या आप भी ऐसा सोचते हैं? क्या आपको लगता है बच्चा अगर खराब व्यवहार करता है तो वो धीरे धीरे अपने आप सुधर जाएगा? अगर आपका आंसर हाँ है ना तो आपकी पेरेंटिंग परमिसिव पेरेंटिंग की लिस्ट में आती है। अनइन्वॉल्व्ड पेरेंटिंग,
ऐसी पेरेंटिंग में बच्चों की गलत और सही चीजों पर ध्यान नहीं दिया जाता, यानी बच्चों की जिम्मेदारी पर पूरा ध्यान नहीं दिया जाता और पेरेंट्स हमेशा बच्चों के केवल मूलभूत आवश्यकताओं को ही पूरा करते हैं। इसमें भी दो कैटेगरी आती है, एक ऐसे पेरेंट होते हैं जो कि बहुत ज्यादा अमीर होते हैं और वो बच्चों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते कि वो क्या कर रहे हैं कि नहीं, बस उनके ऊपर पैसे उड़ाते चले जाते हैं और बिल्कुल ध्यान नहीं देते कि पैसे वो कहाँ खर्च कर रहे हैं। और दूसरे पेरेंट ऐसे होते हैं जो बच्चों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते और केवल उनके मूलभूत आवश्यकताओं को ही पूरा करते हैं, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, इसके अलावा उनके अलावा कुछ भी नहीं। क्वालिटी टाइम बिल्कुल नहीं देते, इसके अलावा बच्चों की बात को भी सुनते नहीं है, इग्नोर कर देते हैं। इसीलिए इसे अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग कहा जाता है, क्योंकि बच्चों में इन्वॉल्व बिल्कुल नहीं होते। इसीलिए ऐसे पेरेंट्स अच्छे नहीं माने जाते। अगर आपका आंसर इन तीनों क्वेश्चन का हाँ में है तो आप अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग की लिस्ट में है। क्या आप अपने बच्चे की लाइफ में रुचि नहीं रखते? क्या आप अपने बच्चे के साथ समय बिताना पसंद नहीं करते? क्या आपको लगता है बच्चे की सभी डिमांड पूरी होनी चाहिए, या फिर आपको लगता है बच्चे की कोई भी डिमांड पूरी नहीं होनी चाहिए? अगर आपका आंसर हाँ में है ना, तो आप अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग की लिस्ट में हैं। कई रिसर्च में पाया गया है कि डेमोक्रेटिक पेरेंटिंग सबसे बेस्ट होती है और हर पेरेंट अपने बच्चे का भविष्य बनाने के लिए पूरा ध्यान देता है। लेकिन हाँ, कुछ पेरेंट्स ध्यान नहीं देते जिसकी वजह से उनके बच्चों का फ्यूचर खराब हो जाता है, और वैसे भी अपने बच्चों का भविष्य बनाने के लिए उनका आज बेहतर होना चाहिए। जब बच्चों का आज बेहतर होगा तभी तो उनका कल बेहतरीन बन पाएगा। तो मैं पूर्वी अब आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। जाते आते लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं मेरी वीडियोस के बारे में, अच्छी हुआ आप जाना चाहें। तब तक के लिए चाचा, बाय बाय।